हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद से थोड़ा 40 किलोमीटर के बद्रीनाथ टेम्पल। चलिए चलते हैं टेम्पल की ओर। ये हम लोग टेम्पल पहुंच गए हैं। तो यही है बद्रीनाथ टेम्पल, जो उत्तराखंड ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। इसे बनाने में सरकार का उतना हाथ नहीं है, इधर गांव वाले ने सभी चंदा करके ये टेम्पल को बनाया है। देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत है ये टेम्पल। और ये है टेम्पल का बाहर का नज़ारा, जो धीरे धीरे अभी डेवलप होगा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज भीड़ बहुत कम है। ये तो बहुत भीड़ होती है यहाँ टेम्पल देखने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये साइड का तरफ है, इधर आपको नंदी महाराज जी, शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी, सभी आपको इधर छोटा टेम्पल मिल जाएगा। इधर सभी लोग इधर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये मंदिर का आउटसाइड, चारों तरफ का एरिया है जो कि पूरा खाली है। मंदिर थोड़ा हटके बनाया गया है जिससे भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। ये देखिए, पूरा खाली प्लॉट है इधर सभी। अभी इसका जमीन का दाम बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो गया है मंदिर में। ये मंदिर का बैक साइड है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में मंदिर बद्रीनाथ धाम। और ये फ्रंट से देखिए मंदिर, एक बार देखिएगा तो बार बार आप देखिएगा। ये देखिए छोटा सा मंदिर है इधर बाजू में, इधर ही सभी पूजा अर्चना करते हैं। और ये है अंदर का नज़ारा। अंदर ही थोड़ा राहत है, गर्मी से राहत है। धन्यवाद।